Welcome to NG classes. Today, in our biology class, we will learn about the living world. Okay, I am Shailja Sharma and I will teach you about the living world, which is first chapter of NCERT textbook and an important part of both botany as well as zoology. So, let's proceed. पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स इस चैप्टर में, मेन चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो लिस्टेड हैं इस कंटेंट में, तो हम कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, क्या क्या जो लिविंग है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या क्या फीचर्स अपन लिविंग थिंग्स के बोलते हैं वो। देन वी विल स्टडी अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय विच वी आर नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, है ना। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, बायनोमियल नोमेनक्लेचर से हम नेमिंग करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म की। देन वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, दे आर इम्पॉर्टेंट। हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बायनोमियल नोमेनक्लेचर से दिए हुए। देन वी विल स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड, टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी चीज जो हमें आइडेंटिफिकेशन, स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल है वो होती है टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हम वो पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर एंड डिससिमिलर फीचर्स। ठीक, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड, क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे, लाइक हर्बेरियम, बोटानिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब पढ़ेंगे हम। देन हम देखेंगे हर्बेरियम बनाना, है ना, हर्बेरियम का जो एक लेआउट है वी विल स्टडी अबाउट इट, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो आज अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सो अपन बेसिकली देखते हैं कोई भी लिविंग चीज़ जो है वो ग्रोथ, उसमें जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो लिविंग चीज़ है वो ग्रोथ कर रही है ना, इट में ग्रो इन साइज, उसकी साइज में चेंज आ जाता है। देन शेप, लेंथ, विड्थ, सो कोई भी चीज़ अगर उसकी लेंथ, विड्थ या उस शेप में चेंज हो रही है तो वी आर सेइंग कि उसकी साइज वो ग्रो कर रही है। देन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस करेगी अपने जैसे दिखने वाले अदर स्पीशीज बनाएगी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, इट इज एसेंशियल फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स टू लोअर मॉलिक्यूल्स, है ना, ये मॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको ब्रेक करने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करती है। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। देन वी विल स्टडी अबाउट कॉन्शियसनेस, देन इंटरैक्शंस हम देखेंगे। तो जो लिविंग बींग की कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक फीचर है मेटाबॉलिज्म, देन अनादर फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो यूनिसेलुलर हो सकती है, देन मल्टी सेलुलर हो सकती है, टिश्यू टिश्यू लेवल पे हो सकती है, देन ऑर्गन लेवल पे और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी हो सकती है। कॉन्शियसनेस, अगर हम किसी चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं तो वो जीवित होगी, है ना, इट इज़ अलाइव, है ना, उसके अंदर लाइफ होगी। देन इंटरैक्शन, कैसे लिविंग चीज़ अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रही है, अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट कर रही है वो हम देखेंगे। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की। फर्दर हम इसे और अच्छे से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ डेफिनेशंस। ठीक, सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है इट मे बी आस्क्ड, है ना, जो आपके 11th बेस एग्जाम में उसमें पूछे जा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, या फिर क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन दैट वे, डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, सो यू विल राइट ऑल दीज फीचर्स सच एज
ग्रोथ इंक्रीज increase in length, width and height, or we can say that increase in size. Increase in shape, increase in size, that is the growth. Okay, then reproduction. Re means again and production means to produce something. So reproduction, it is a method by which any of the living object produces offspring of same kind or identical. है ना, reproduction एक ऐसी process है जिससे कि कोई भी organism अपने जैसे अपने समान दिखने वाले not totally similar but identical भी में से अपने जैसे दिखने वाले individual को produce करे, ऐसी process होती है reproduction. हमने आपने आपका पहले से भी जानते होंगे, यू माइट हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस दैट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल एंड असेक्सुअल, है ना. बट दिस बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इटसेल्फ इन अ लिविंग सिस्टम. अगर कोई चीज लिविंग है उसी में ही रिप्रोडक्शन होगा. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चेयर, डू इट ग्रो? नो, इट इज नॉट लिविंग. रिप्रोड्यूस, आपने कभी देखा एक चेयर से दूसरी चेयर बन जाए? नो, इट इज नॉट लिविंग, इट कांट रिप्रोड्यूस. देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और एक्सटर्नल मूवमेंट, है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और एक्सटर्नल मूवमेंट, ये काय में आ जाता है? कॉन्शियस स्टेट में, है ना, कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रही है ना, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स दे रही है, अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके, ठीक. देन इसका एक एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म. व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? मूवमेंट टुवर्ड्स दी लाइट, है ना, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट, है ना. किसी भी प्लांट अपन वो देख सकते हैं, प्लांट लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है, है ना, फोटोट्रॉपिज्म, है ना. कोई भी प्लांट लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, ग्रोथ करता है, और बाय द हेल्प ऑफ लाइट वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाता है, है ना, फूड बनाता है कोई भी प्लांट. फूड से उसे एनर्जी आती है, एनर्जी के बाद उस एनर्जी को वो प्लांट अपनी वेरियस एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर लेता है, ठीक. तो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म. एंड कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म. कोई भी सेल मूव करेगी जब उसे एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगा. एज इफ वी मे से कि हम अगर कोई हमें पुश करता है, सो वी मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड और बैकवर्ड. कोई हमें पुश कर रहा है तो हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो जो पुश करना हुआ दैट इज द स्टिमुलाई, ठीक. तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना. देन है शो होमियोस्टेसिस, है ना. होमियोस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना. तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेंगे. देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सेल के लेवल, सेल को देखते हुए, एट द बेसिक लेवल ऑफ सेल, सेल को देखते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे सेल्स अरेंज हैं, उसे हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सभी ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा
एटम्स से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बनते हैं ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से बनता है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल रिप्रेजेंट्स टिश्यू। जैसे कि अपने लिवर के सेल, अपन उन्हें बोलते हैं हिपेटोसाइट्स, तो वो टिश्यू बनाते हैं, हिपैटिक टिश्यूज। टिश्यूज मिलके, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम। ठीक, ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है एक्चुअली, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी डेफिनेशन। इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक सम है। ठीक, इट इज द टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस विद इन अ लिविंग सेल, और सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इनटू अ सेल बाय एनाबॉलिज्म, है ना, एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक, इंटरैक्शन विद अनदर सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो वो दूसरे सेल और अदर, अपने जैसे दिखने वाले अदर, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरैक्ट करती है। वी मे से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो लिविंग अपने हायर ऑर्गेनिज्म है उन पर ग्रो करने लगते हैं इफ दे फाउंड अ सुटेबल एनवायरमेंट। देन डिपेंडेंसी की हम इंटरैक्शन की बात करें तो ह्यूमन इंटरैक्ट विद प्लांट, है ना, एंड एनिमल्स फॉर फूड। ठीक, हेरिडिटरी, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करके वो क्या करेगी, अपने हेरिडिटरी ट्रेट्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाएगी। दे शो अडाप्टेशन, है ना, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो अडाप्टेशन शो करेगी। जैसे कि अपन अडाप्टेशन के बारे में बताएं तो अडाप्टेशन मतलब किसी भी अनस्यूटेबल एनवायरमेंट, है ना, टू अडाप्ट एन अनस्यूटेबल एनवायरमेंट, कोई भी एक अनस्यूटेबल एनवायरमेंट के साथ ढल जाना, दैट इज अडाप्टेशन। ठीक है, तो अडाप्टेशन क्या है कि अडाप्टेशन में है एक एग्जांपल कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स दे हैव डेवलप्ड अ क्यूटिकल लेयर ओवर देयर लीफ सरफेस। तो जो एक्वाटिक प्लांट हैं उन्होंने अपने लीफ सरफेस पे एक लेयर बना ली, किसकी, काइटिन की, है ना, क्यूटिकल काइटिन की एक लेयर बना ली जिससे कि वो वाटर से प्रोटेक्टेड रहे। देन एक और अडाप्टेशन का एग्जांपल हम बचपन से कहानियों में भी सुनते आ रहे हैं कि जिराफ, है ना, जिराफ ने जब देखा कि ट्रीज हाइट पे लीव्स हैं जब ग्रास नहीं है, तो जिराफ ने देखा कि हाइट पे लीव्स लगी हैं एंड दे आर एडिबल, मैं उन्हें खा सकता हूँ, तो जिराफ ने अपनी गर्दन को ऊंचा करके लीव्स को खाना चालू किया। एंड अडाप्टेशन ये हुआ कि उसकी फर्दर जो जनरेशंस हैं उनमें भी जिराफ का जो नेक है वो लंबा हो गया। देन इवॉल्व, इवॉल्व हम बोलेंगे इवोल्यूशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुधार आना, डेवलपमेंट आना, दैट इज फॉर इवोल्यूशन। जो चीज लिविंग है वो डेफिनेटली इवॉल्व होगी, है ना। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, हेरिडिटरी ऑफ ट्रेट, हेमोस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ, रिस्पॉन्ड, सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टासिस, हेरिडिटरी एंड रिप्रोडक्शन। ये हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में देखे थे, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देन हम ग्रोथ में देख लेते हैं, हम सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट ग्रोथ, इंक्रीज इन मास, ओके, इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल साइज, दैट इज ग्रोथ। देन
कब होगी? जब एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन, जब फॉर्मेशन ज्यादा होगा और ब्रेकडाउन कम होगा, देन ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होगी? इन प्लांट सेल डिवीजन अकर थ्रू आउट देयर लाइफ एट स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि प्लांट्स में मेरिस्टेम वाला जो रीजन होता है वहां पर अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ होती है ना। देन इन एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एज ओनली ग्रोथ अकर, जैसे कि हमने देखा ह्यूमंस में टिल एज ऑफ 20 to 22 ग्रोथ होती है। देन ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन की प्रोसेस से ग्रोथ होती है, ये ध्यान रखिए। सेल डिवीजन इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक, बट इन मल्टी सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक, वाइल इन यूनिसेलुलर दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। देन सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर इज ऑब्जर्व इन विट्रो, इन विट्रो मतलब जो हम टेस्ट ट्यूब, जो लेबोरेटरी में हम कल्टिवेट करके देख सकते हैं, ठीक, इन विट्रो पैट्री डिशेज अंडर माइक्रोस्कोप सेल्स कैन बी काउंटेड। ने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके बैक्टीरियल ग्रोथ की जाती है और उस बैक्टीरियल ग्रोथ को माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। नॉन लिविंग में अगर ग्रोथ दिख रही है तो क्रिस्टल्स में दिखेगी, स्नो माउंटेन्स में दिखेगी, डेजर्ट में दिखेगी, सैंड ड्यून्स में दिखेगी, बट अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये ग्रोथ इनसाइड, इट डोंट अकर बाय इनसाइड, ये न्यूट्रिशन के कारण नहीं हो रही है, एनाबॉलिज्म के कारण नहीं हो रही है, बट ये ग्रोथ क्यों हो रही है? ड्यू टू द अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, किसी भी रॉक सरफेस के ऊपर कोई भी मटेरियल अकुमुलेट हो रहा है तो उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है? एक्सटर्नल हो रही है। वाइल्ड जो लिविंग है उनमें जो ग्रोथ है वो कैसी है? इंटरनल है ना, इरिवर्सिबल है। देन अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक, दो आप मैंने आपको बताए थे प्रोसेस, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड, ठीक। तो जो फंगस हैं है ना मिलियंस, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। जैसे ये देखिए फंगस का स्ट्रक्चर है, तो इसका वेजिटेटिव हाइफे वाला रीजन है, ये एरियल हाइफा है, और इनके ऊपर क्या है, ये पोर लाइक छोटे छोटे ये हैं कॉनिडियोस्पोर्स, स्पोर्स, ठीक। तो ये स्पोर्स रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। देन इन ईस्ट, ईस्ट में देखिए पहले कैरियोगैमी होगा, सॉरी पहले प्लाज्मोगैमी होगा, जो ईस्ट है इसमें क्या है, इसका जो ग्रोथ वाला जो पार्ट है अपन देख लेते हैं कि बडिंग जैसे हो रही है हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या हो रहा है, एक बड डेवलप हो रही है, ठीक। ये बड डीअटैच हो जाएगी और एक यंग हाइड्रा बन जाएगा इससे। देन बडिंग देखेंगे ईस्ट में भी, हाँ, एक बड डेवलप होगी और ये बड धीरे से डीअटैच हो जाएगी, सेल का जो मटेरियल है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी सर। देन प्लेनेरिया, इसे हम फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, और इसमें रीजेनरेशन हो जाता है। देखिए अगर ये टूट गया, प्लेनेरिया बीच से डिवाइड हो गया ड्यू टू सम थ्रेट टू सम एनिमल, कोई एनिमल आया उसके डर के कारण, या फिर अनादर एजेंट लाइक विंड और वाटर, उसकी वजह से प्लेनेरिया टूट गया, तो ये क्या करेगा, दोनों बॉडी पार्ट्स एक एक न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएंगे, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंट डेवलप
each fragment develop to form और न्यू प्लेनेरिया। नेक्स्ट है हम देखेंगे फिलामेंटस फंगाई और एल्गे में। इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है कि ये जो फंगस है ये अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। जैसे कि फंगस के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स सेपरेट होके अलग अलग इंडिविजुअल बनाएंगे, ऐसे ही मॉसेस आप देखेंगे ग्रीन प्लांट्स, ये भी डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट होके ये अलग इन्होंने अलग इंडिविजुअल्स बना लिए। सेम इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में जो ये पीछे की अटैचमेंट वाला पार्ट है यहाँ से ये टूट टूट के तीन फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और अलग अलग थ्री ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक, नेक्स्ट इन बैक्टीरिया, ये अपन और आगे पढ़ेंगे अच्छे से जब हम प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो हम इनके रिप्रोडक्शन सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया अमीबा, इनमें क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। ठीक, यूगलिना पैरामीजियम, इनमें क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से। जैसे हम देखते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल है, इसने अपने आप को प्रिपेयर किया डिवाइड होने के लिए, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया क्या जेनेटिक मटेरियल, और ये सेल स्प्लिट हो गई। इस स्प्लिट में दोनों में प्रोटोप्लाज्म कंटेंट इक्वल है, बोथ सेल, ये सेल्स बने कौन है, डॉटर सेल, ये दोनों डॉटर सेल इनमें इक्वल, इन दोनों सेल्स में क्या है, इक्वल कंटेंट है प्लाज्मा का और न्यूक्लियस जिसे हम कैरियो टाइप भी बोलते हैं। ऐसे ही पैरामस का अमीबा का देख लीजिए कि जो अमीबा है उसने अपनी सेल को मल्टीप्लाई किया तो उसने क्या किया, न्यूक्लियस को डुप्लीकेट कर लिया, न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसके बाद दो डॉटर सेल्स बनेंगे। बाइनरी फिजन हो रहा है किसमें, यूगलिना में और पैरामीशियम में, ये यूगलिना है, यूगलिना ने अपने आप को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, हमेशा याद रखिए इन यूगलिना देयर इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये नीट में पूछा जाता है कि यूगलिना में जो बाइनरी फिजन हो रहा है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड इन पैरामीशियम ये कैसा है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है यूगलिना में और दो टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल्स बना रहा है। वाइल जो पैरामीशियम इसमें कैसा हो रहा है, ट्रांसवर्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म है ना, टू टाइप्स मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शन जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरीके की होती हैं। ठीक, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये सभी लिविंग बींग्स का एक फीचर है ना, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी में होते हैं और मेटाबॉलिज्म की ही वजह से जो हायर कंपोनेंट्स हैं फूड के वो स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होते हैं और हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उन्हें उसी स्मॉलर फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर पाती है और जो वेस्ट है उन्हें एक्सक्रीट कर देती है।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इज इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पे सेल, विच कैन परफॉर्म इट्स प्रोसेस इंडिपेंडेंटली. लेकिन वो सच ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा गया. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसे डिस्कस किया था, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके बने ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल ने बनाई सेल, और बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू, और टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन, एंड एन ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बना, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बना. दिस इज इम्पॉर्टेंट. कॉन्शियसनेस नोन एज सेंसिटिविटी, जैसे कि सीजनल ब्रीडिंग है ना, ऑस्चर साइकिल जनरली जो नॉन प्रीमेट्स हैं उनमें होती है, वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं. देन कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग. पेशेंट्स लाइंग इन कॉमा इन हॉस्पिटल, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज सीन इन देम, नॉट नॉन लिविंग एंड मेनी ऑर्गन्स एंड पार्ट्स आर शोइंग फीचर ऑफ बींग अलाइव. उनके कुछ कुछ ऑर्गन्स लाइव होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गन्स अलाइव होते हैं, उनमें फीचर्स दिखते हैं कि वो अलाइव है ना. सो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट को सेंस कर लेना. आइदर एनवायरमेंट में कोल्ड कंडीशन है, हॉट कंडीशन है, इज इट रेनिंग, ये सेंस कर लेना एनवायरमेंट में, और इस कंडीशन के हिसाब से एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स देना, है ना, दैट इज कॉन्शियसनेस. ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इस क्लास में बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने इसको समझाया है, फर्स्ट पार्ट को. होप आप सबको समझ में आया होगा. सो आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ. ओके, थैंक यू.